मैं बहुत लिमिट 10-12 क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूं, ये आपकी किस्मत है, आप सारे प्रिपरेशन करें बट इस 10-12 क्वेश्चंस को फर्स्ट पीरियड लेवल में तैयारी करके जाए। बात बाकी आपको जो कर रहे हैं आप करें बट इस 10-12-13 जो क्वेश्चन है उसको माइंड में कीप करके, कि एकेडमी ऑफ फिजिक्स ने इसको बताया है, और यकीन करें कि आप लॉन्ग टाइम के 3 क्वेश्चन इसमें से आप आसानी से निकाल पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आफताब आलम, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है द लाइव इंडिया के खास कार्यक्रम शिक्षा संवाद में। और आज के हमारे मेहमान हैं एकेडमी ऑफ फिजिक्स के डायरेक्टर इंजीनियर आर्य खान। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर इंजीनियर आर्य खान साहब, और बच्चों को गाइडलाइन करेंगे जो इंटरमीडिएट की परीक्षा में इस बार अपीयर हो रहे हैं। सर, सबसे पहले तो उनके लिए आपका क्या संदेश है? सबसे पहले तो आज 26 जनवरी है, आप सबको इस गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद। सब मिलकर इस देश में जो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कंट्रीब्यूट करें, देश को और एक ग्रैंड और महान बनाना है। रही बात आपके सवाल की, तो चूंकि आपका शिक्षा संवाद बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ और निश्चित रूप से कई विद्वान शिक्षक आए यहाँ पर और सबने अपने अपनी राय रखी है, तो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा बोलने के लिए अब कुछ है। अब तो एग्ज़ाम के लास्ट टाइम है और मैं बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, कुछ भी नई चीज़ें नहीं पढ़नी है। हाँ, जो चीज़ें अभी आपको फील हो रही होंगी वो ये हो रही होंगी कि आप सब कुछ भूल गए हैं, आपको कुछ याद नहीं है, तैयारी नहीं हुई है, तो ये हम लोग ही भूलते हैं और सारे लोग भूलते हैं। बट जब आप लिख के प्रैक्टिस करते हैं, जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, तो जो आपके मेमोरी स्टोरेज है वो खुल के आपके सामने आता है और धीरे धीरे चीज़ें आपको याद होती हैं। तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बार कोरोना काल में नहीं कहीं ना कहीं बड़ा अनअल्टर्ड वे में बच्चों की प्रिपरेशन हुई है। टीचर ने कोशिश भी की है, खास करके बिहार का एग्ज़ाम मुझे लगता है भारत का ये पहला स्टेट है जो 1 फरवरी से एग्ज़ाम ले रहा है, तो मैं इसको सही या गलत पे नहीं आ रहा कि क्यों लिया जा रहा है, बट अब जो हो गया है तो हो गया है। तो जो टीचर्स ने या जो बच्चों ने जो किया है, तो जो मेहनतें हुई हैं, तो कुछ भी नया नहीं पढ़े, जो पुरानी चीज़ें हैं, जो टीचर्स ने जो क्वेश्चन गेस किए हैं और लास्ट 10 साल के क्वेश्चन को अच्छे से। बिल्कुल, तो आपको जैसा पता है कि हमारे चैनल के माध्यम से लगातार हम शिक्षा संवाद कर रहे हैं, लगातार दरभंगा के जो भी एक्सपीरियंस टीचर हैं उनको बुलवा करके हम उनसे संवाद के माध्यम से आपको जो फायदे पहुंच सकते हैं यह कार्यक्रम कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ इंजीनियर आर्य खान सर है और फिजिक्स के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सर उस पर भी नजर डालेंगे और आपको सर के माध्यम से जो क्वेश्चंस आपको पता चलेंगे तो जरूर एक बार उस चीज को ध्यान रखें, क्योंकि एक्सपीरियंस टीचर का जिस शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है और वह जो बताते हैं वह कहीं ना कहीं 99% टकराता ही है। तो सर संवाद को स्टार्ट किया जाए तो बच्चे किस किस क्वेश्चन को और कौन कौन सा फिजिक्स में ऐसा टॉपिक है जो आपके माध्यम से कि बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप बताएं। मैं टॉपिक तो सब लोगों ने महत्वपूर्ण बताया होगा, मैं क्वेश्चन ही महत्वपूर्ण बता, बिल्कुल बिल्कुल, कि कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। इसका यह मतलब नहीं कि कहीं से मुझे बताए गए होंगे, एक एक्सपेक्टेशन एक अनुभव होता है जो 10-12 सालों का मैंने जो मेरा अपना अनुभव है जो हमने मेरी संस्था ने या मैंने जिस इसको रीड किया है। तो अगर मैं बारी बारी से डिफ्रेंशिएट करके अगर चैप्टर वाइज बात करूँ तो ऑप्टिक्स में सबसे पहले रे ऑप्टिक्स में जो मैं बहुत लिमिट 10-12 क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूँ, ये आपकी किस्मत है, आप सारे प्रिपरेशन करें बट इस 10-12 क्वेश्चन को फर्स्ट पीरियड लेवल में तैयारी करके जाए। बात बाकी आपको जो कर रहे हैं आप करें बट इस 10-12-13 जो क्वेश्चन है उसको माइंड में कीप करके, कि एकेडमी ऑफ फिजिक्स ने इसको बताया है, और यकीन करें कि आप लॉन्ग टाइम के 3 क्वेश्चन इसमें से आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो हम बारी बारी से बात करते हैं। अगर हम रे ऑप्टिक्स की अगर हम बात करें, बड़ा वाइटल पार्ट है ये, तो वहां से एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के क्वेश्चन रहेंगे। आप समझ रहे होंगे कि मैं कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब आपके प्रिपरेशन के अंतिम दौर में। तो पहला कंपाउंड माइक्रोस्कोप या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये नंबर 1 क्वेश्चन होंगे। दूसरा रेफ्रेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला प्रिज्म के लिए, जहां पर एंगल ऑफ डेविएशन होता है म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 बाई साइन ए बाई 2, म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 बाई साइन ए बाई 2, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन हम वेव ऑप्टिक्स से लेते हैं, वो है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो माइक्रोस्कोप हो गया, प्रिज्म वाले वो क्वेश्चन हो गया, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हो गया। चौथा क्वेश्चन भी वेव ऑप्टिक से ही है हमारा है, वो है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, है ना, जिसमें आपको फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करने के लिए बीटा की वैल्यू आपको निकालने के लिए एकदम डेफिनेटली वो क्वेश्चंस
आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। लास्ट 3-4 साल से वो नहीं आया है। और एक और क्वेश्चन देखिए, मैं ऑप्टिक्स में 5वां क्वेश्चन और लास्ट बोलने जा रहा हूँ, वो हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट, जिसमें आपको रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शंस को हाइजेंस थ्योरी के बेसिस पर प्रूव करने के लिए बोला जाएगा। तो ये 5 क्वेश्चंस पूरे के पूरे ऑप्टिक्स हैं। क्वेश्चन बड़े पड़े हैं, आप कंफ्यूज नहीं हो और परेशान नहीं हो, और ट्रस्ट रखें तो आपके पोर्टल पर और यहाँ पर बुलाए गए शिक्षकों पर कि एक क्रेडिबिलिटी होती है क्वेश्चंस को बताने की और क्वेश्चन लड़ता है। तो ये हमारे रे ऑप्टिक्स की बात रही है। और ये 5ों क्वेश्चंस बहुत पॉपुलर हैं और हर जगह इसके सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। जरूरत पड़ी तो आप इस चैनल के माध्यम से PDF मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, आप बच्चों तक इस चीज़ को आप पहुँचा दें। यानी अगर आपको जरूरत पड़े तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम सर को भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब उसी में जो शॉर्ट टाइप वगैरह में है तो इसे पोलराइजेशन वगैरह है शॉर्ट टाइप में, तो पहले थोड़ा लॉन्ग टाइप पे ही बात करें तो जो जो इम्पोर्टेंट है उस बारे में। बिल्कुल। अब उसके बाद बच्चों हम लोग मॉडर्न फिजिक्स पे आ रहे हैं, आप उससे पूछ सकते हैं मॉडर्न फिजिक्स में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहला जो मॉडर्न फिजिक्स में क्वेश्चन आने वाला है वो है कॉमन एमिटर मोड ऑफ ट्रांजिस्टर और उसकी इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और एक अगर आप कॉमन एमिटर मोड ऑफ ट्रांजिस्टर को आप पढ़ते हैं तो ट्रांजिस्टर जो एम्पलीफायर आप उसको कर पाते हैं, ट्रांजिस्टर के मतलब पूरा का पूरा एक सेट तैयार होता है। तो कॉमन एमिटर मोड ऑफ ट्रांजिस्टर आपको पढ़ना है NPM, तो मॉडर्न से नंबर एक क्वेश्चन हो गए। नंबर दो VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड, चाहे वो PN जंक्शन डायोड हो चाहे वो जेनर डायोड हो, VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड आपको पढ़नी है। और सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर में बैंड थ्योरी के बेसिस पर आपको फर्क बताना है वहां पर। तो ये 3 क्वेश्चंस मॉडर्न फिजिक्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से करने। और मॉडर्न बहुत आज के डेट में बड़ा खूबसूरत सा टॉपिक है, नो डाउट कई बार बच्चे वहां तक नहीं पहुंच पाते। एक और टॉपिक है जिसको सीबीएसई ने तो बजाबता दे दिया है कि मुझे 30% जो वेटेज हटा दिया उन्होंने। बिहार बोर्ड ने 1% भी कोई वेटेज नहीं हटाया, बोले तुमको जैसे सिलेबस से पूरा बढ़ो भाई, अभी उनकी मर्जी है, मैं उस पर कॉन्ट्राडिक्शन को नहीं आना चाहता। कम्युनिकेशन एक टॉपिक होता है बड़ा वाइटल है, वहाँ से सिर्फ 2 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन एक जरूर आएंगे आपको। एक ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम आपको पढ़नी है, जहाँ पर आपका ट्रांजिस्टर है, जहाँ पर कम्युनिकेशन चैनल है और रिसीवर सिस्टम है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। तो एक ब्लॉक डायग्राम आपको पढ़ना है। दूसरा जो वाइटल क्वेश्चन है वो ये है कम्युनिकेशन में कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या है ना, पूरे उसके प्रोसेस को और मॉड्यूलेशन इंडेक्स को आपको कैलकुलेट करना और जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल हो उसका इक्वेशंस निकालना। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बिल्कुल फ्रीक्वेंसी या फेज मॉड्यूलेशन बने, सिर्फ और सिर्फ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो एक क्वेश्चन आपके हो गए ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, एक हो गया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अगर बहुत एक और करना हो तो टावर के रेंज निकालना, D=√2RH आप उसको रेंज निकालना सीखें। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। तो हम लोगों के ऑप्टिक्स हो चुके हैं, बिल्कुल, हम लोगों के मॉडर्न फिजिक्स हो चुके हैं, हम लोगों के कम्युनिकेशन सिस्टम हो गए। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स कहने का मतलब उसमें मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और AC, ये चारों का एक पूरा एक सबको कंबाइंडली हम लोग इलेक्ट्रोडायनामिक्स बोलते हैं। तो मैग्नेटिज्म में अगर आप पढ़ें तो मैग्नेटिज्म से मुझे लगता है कि शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। उसमें सबसे ज्यादा हिस्टरेसिस लूप ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, हिस्टरेसिस लूप ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आप बढ़िया से करके उसको आप दीजिएगा, है ना। दूसरी बात है अर्थ मैग्नेटिज्म में एंगल ऑफ डी, डेक्लिनेशन, इंक्लिनेशन, इन सबको पढ़ के जाना है। तो हिस्टरेसिस लूप को बहुत अच्छे से कीजिएगा और अर्थ मैग्नेटिज्म को अच्छे से कीजिएगा। ये 2 क्वेश्चन वहां से आने की संभावनाएं हैं। अब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस पे चलें, उससे पहले हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर बात करना चाहेंगे। तो मुझे लगता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बहुत ब्रॉड है, आपको कहाँ पे रुकना है। मैं जान रहा हूँ बहुत घबराहट होगी आपको, आप बिल्कुल पूरे टॉपिक पे फोकस नहीं करके लॉन्ग टाइम के लिए आप बायोट सेवर्ट लॉ को अच्छे से करें। व्हाट इज बायोट सेवर्ट लॉ? बायोट सेवर्ट लॉ की वजह से रिंग के एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, गौर से सुनिएगा। बायोट सेवर्ट लॉ की वजह से रिंग के एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड और एक लॉन्ग वायर है उसकी वजह से उसके परपेंडिकुलर किसी डिस्टेंस पी पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, आपको बायोट सेवर्ट लॉ के हेल्प से उसको कैलकुलेट करना है, एक बात। दूसरी बात है कि साइक्लोट्रॉन एक चीज है, वहां पर एक मशीन है ना। तो आप साइक्लोट्रॉन कैसे काम करता है, ये क्या है और साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी आपको निकालना। एक बात बच्चों जान लेना, जब भी कोई मशीन के बारे में आपसे सवाल पूछे जाए तो पहले वो मशीन क्या है
दो लाइन उस पर लिखना है, किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं वो लिखना है, फिर उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है वो लिखना है, फिर उसकी वर्किंग क्या है वो लिखना है, और अगर मैथमेटिकल कुछ रिलेशंस हैं वो लिख दीजिए, और सोने पर सुहागा होगा अगर आप उसकी यूज लिख दें या उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज लिख दें, तो ये आपको एक फायदा होगा। तो मैग्नेटिज्म से ये तीन मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से, बायोट से बट के दो क्वेश्चन, और साइक्लोट्रॉन अच्छे से कीजिएगा। और एक आता है एम्पियर सर्किट लॉ, थोड़ा सा उसको पढ़ना है बट बहुत टाइम उस पर नहीं देना है कि एम्पियर सर्किट लॉ से क्वेश्चंस आए और उसको बनाएं, क्योंकि आप सेलेक्टिवली आप पढ़ रहे हैं। अगर पढ़ना हो तो एम्पियर सर्किट लॉ और सेलेनोइड की वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड एम्पियर सर्किट लॉ से निकालना सीखना है। तो ये आपका हो गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और लास्ट बचा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें दो तीन क्वेश्चंस मुझे लगता है बहुत प्यारे हैं। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है उसको एक्सप्लेन करें, और दो इंडक्टेंस के म्यूचुअल इंडक्टेंस को कैसे कैलकुलेट करना है इसको हम लोगों को निकालना है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और एक प्रूव्ड आता है, आप लोग सब लोग जो बच्चे देख रहे हो, ई बराबर बी एल वी, ई एम एफ बराबर बी मैग्नेटिक फील्ड, वी वेलोसिटी और एल लेंथ ऑफ रॉड, ई बराबर बी एल वी को अच्छे से प्रूव्ड कर लेना, तो ये भी क्वेश्चंस आने की संभावना। तो ये आपका अच्छा, अगर आप एसी से पहले उसमें जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एक टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मर। दिस इज अ वेरी पॉपुलर एंड वेरी ओल्ड क्वेश्चंस, लगभग भारत के हर बोर्ड में सवाल पूछे जाते हैं, व्हाट इज ट्रांसफार्मर, वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर, है ना, नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी कॉइल एंड द सेकेंडरी कॉइल। तो ट्रांसफार्मर को आप बहुत अच्छे से करें, और ज्यादा बेटर होगा कि आप जनरेटर को भी आप अच्छे से कर लें, दो चार कॉन्सेप्ट हैं उसमें, तो ट्रांसफार्मर और जनरेटर आपको अच्छे से करना है। एसी में मुझे लगता है कि आपको सिर्फ दो या तीन क्वेश्चन करने हैं, एक तो एवरेज और आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी निकालनी है, एवरेज करंट ऑफ एसी या आरएमएस, और एक जो आपको निकालनी है वो है सीरीज आरएलसी सर्किट का फेजर डायग्राम और करंट। तो ये एसी हो गया। तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, हम लोगों ने ऑप्टिक्स के क्वेश्चन देखे, बिल्कुल, हम लोगों ने मैग्नेटिज्म के देखे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के देखे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के देखे, कम्युनिकेशन के देखे, और मॉडर्न फिजिक्स के देखे। ड्यूअल नेचर एंड रेडिएशन से क्वेश्चंस आने की जो संभावना है, एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बट मुझे लगता है कि शायद बहुत बच्चे वहां तक नहीं पढ़ पाते, क्योंकि इस बार जो गैदरिंग हुई बच्चों बहुत, टीचर भी बहुत परेशान थे पढ़ाने में, आप टीचर को भी जिम्मेदारी नहीं दे सकते, बहुत टीचर ने बहुत मेहनत की है, खास करके अपने दरभंगा में डबल बैचेस किए, बिल्कुल डर से भी हम लोग रूम गिरा के रूम बंद करके, कोरोना का डर टीचर पर ही था, एडमिनिस्ट्रेशन का डर बच्चों के डाउट्स को अलग क्लियर करना या बुला करके किसी तरह से पढ़ा देना कि चलो बच्चों का कुछ भला हो जाए, तो फिर भी कोशिश सब टीचर ने अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा मेहनत किया है, मैं बिग हेड देना चाहूँगा, और मुझे उम्मीद है कि रिजल्ट भी अच्छा आना चाहिए। इसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो एमिशन इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक क्वेश्चन है, प्लीज़ उसको अच्छे से करके जाइएगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं उसको कर लीजिएगा, बट फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लॉन्ग टाइम। करंट के एक दो क्वेश्चन है, करंट के मुझे लगता है कि जो एक दो क्वेश्चन है उसमें बी बराबर आई आर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के क्वेश्चंस शायद आपसे पूछे जाए, है ना। गैल्वेनोमीटर क्या है और हाउ ए गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर एंड वोल्टमीटर, ये करंट के क्वेश्चन रहेंगे आपसे। मैं करंट में फिर बहुत ज्यादा तो नहीं जा रहा, करंट 7 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मुझसे, सबसे कम मतलब सबसे ज्यादा पढ़ के अगर सबसे कम कहीं से पूछा जाता तो मुझे लगता है वो इलेक्ट्रिक करंट है। और सबसे बड़ी बात है आफ्ताब साहब गुप्ता जी की, बिहार बोर्ड कहता है कि इस चैप्टर से इतने वेटेज है क्वेश्चन, बिल्कुल, लेकिन ऐसा आता नहीं है। अच्छा अच्छा, मतलब आपसे अगर वो बोलेंगे ना कि 7 मार्क्स के क्वेश्चन करंट से पूछे जा रहे हैं, अब जब आप उल्टा के देखें ना तो कभी कभी वो 4 नंबर के एक लॉन्ग टाइप पूछ देंगे आपसे, 2 नंबर का 2 पूछ देगा, तो 2 2 4 और 4 8 हो गए, वहीं पर 2 3 ऑब्जेक्टिव पूछ देगा, तो 7 की जगह 11 क्वेश्चन आ गए। तो इस चीज पर कंट्रोलिंग सीबीएसई में बहुत ब्यूटी है कि स्ट्रिक्टली वो अपनी चीजों को ओबे करते हैं, बट बिहार बोर्ड का कोई माँ बाप नहीं। कई बार ऐसा हुआ है कि सारे चैप्टर को हटा किसी 2 चैप्टर से सारे क्वेश्चन पूछ दिए, तो मुझे उम्मीद है कि इस बार बिहार बोर्ड ने अब तो क्वेश्चन सेट किया होगा, जिन लोगों ने किया होगा बच्चों के बुरे दौर को याद किया होगा कि नहीं इस बार बच्चों पर थोड़ी मर्सी करनी है। और क्वेश्चन का जो लेवल जो होता है वो 3 लेवल में क्वेश्चन सेट किया जाता है, एक तो टॉपर के लिए कुछ होता है और एवरेज, और कुछ ऐसे क्वेश्चन सेट करते सेटर जो करना चाहिए जिससे जो लो क्लास के बच्चे वो अच्छे से पास करें। बिहार बोर्ड में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं बट क्वेश्चन स्टैंडर्ड ठीक रहता है, और इस बार ऑब्जेक्टिव भी है तो ऑब्जेक्टिव खूब अच्छे से प्रैक्टिस करना है। कई बार बच्चे पूछते हैं कि ऑब्जेक्टिव के लिए अलग से पढ़ेगा, जी नहीं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव से ही डिराइव किया जाता है। अब कितना ऑब्जेक्टिव आप रटेंगे, सब उदाहरण के लिए नहीं कि अगर मुझे पूरा दरभंगा घुमा दीजिए
और मुझसे आप पूछिए कि नाका नंबर 5 कहां पर है या आपकी ऑफिस कहां है, तो मैं आपको पूरा डायरेक्शन बता सकता हूं। लेकिन सडनली आप मुझे अमेरिका के बारे में सारी चीजें बता दीजिए और मुझसे पूछिए कि लॉस एंजलिस में सीसीडी कैफे कहां पे, मैं नहीं बता पाऊंगा, मैं कभी गया ही नहीं, मैं रटा हुआ जाहिर सी बात है। आप समझ रहे बात, जितना हम आगरा के बारे में पढ़कर नहीं एक्सप्लेन कर सकते उतना जाके विजिट करके एक्सप्लेन कर सकते। आप ताजमहल पे बुक लिख सकते हैं अगर वहां पे एक बार आप चले जाए, तो इसलिए सब्जेक्टिव को आप अच्छे से करें तो ऑब्जेक्टिव अपने आप। और हाँ, फिर मैं कहूंगा सब्जेक्टिव अच्छे से करेंगे शॉर्ट टाइप भी बन जाएगा, तो बहुत ज्यादा स्पेशली फोकस नहीं करना, फिर भी आप जो भी ऑब्जेक्टिव जहां के हों, प्रीवियस 10-12 साल के हों, जिस बोर्ड के हों, बनाना। लेकिन सर ऑब्जेक्टिव में अगर बात करें तो बच्चे अभी भी कंफ्यूजन होंगे कि मॉडल पेपर के ऑब्जेक्टिव को कवर करें या फिर क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव। मॉडल पेपर क्या है? मॉडल पेपर है कि एक पैटर्न को बताता है बिहार बोर्ड का। कई लोगों को ये लगता है कि अच्छा यही क्वेश्चन आने वाला, नहीं बिल्कुल नहीं, उसने आपको बता दिया है कि देखिए साहब मैं जो पूछने जा रहा हूँ आपसे उसके पैटर्न ये होंगे, आप अपने आप को इसके लिए रेडी कर लीजिए, बस और कुछ नहीं, मॉडल पेपर ही है। और एक इलेक्ट्रोस्कैट बचता है, तो इलेक्ट्रोस्कैट खूबसूरत टॉपिक है ये भी, इलेक्ट्रोस्टैट से क्वेश्चन आती है, तो मुझे लगता है कि इलेक्ट्रोस्टैट से बच्चों इस बार गॉस थ्योरम डिटो आएगा। गॉस थ्योरम और उसके यूज, गॉस थ्योरम खास करके थिन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, स्फेरिकल शेप की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना और सिलेंडर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, और गॉस थ्योरम को प्रूव करना खूब अच्छे से आप कर लीजिएगा। तो ये गॉस थ्योरम हो गया। और कैपेसिटर में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी निकालना आप सीखना, उसके अंदर एक कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दिया जाता है, फिर उसकी कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं तो वो निकालना सीखना। और मुझे लगता है कि शायद वहाँ से एक न्यूमेरिकल आए, ऑप्टिक्स से भी न्यूमेरिकल आने की संभावना है, इलेक्ट्रोस्टैट से भी, और बहुत छोटे छोटे मतलब बोलेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है या रेसिस्टर वाले में करंट में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या है, वो छोटे छोटे याद रखिए, बड़े न्यूमेरिकल की तरफ आपको जाना ही नहीं है। कई बार बच्चे बहुत बड़ा बड़ा चीज करने लगते हैं कि अरे ये भी बना के, नहीं नहीं याद रखिए, उनको मालूम है कि उनको बोर्ड लेवल के स्टैंडर्ड क्या करने हैं, तो बहुत ज्यादा बहुत माथा पच्चे आपको नहीं करना। तो कैपेसिटर से क्वेश्चंस एक आपके आएंगे, गॉस थ्योरम से आएंगे, कोलम्स लॉ से न्यूमेरिकल वगैरह आने की संभावना है। तो बस यही चीजें हैं आपकी, और मुझे लगता है कि अगर आप इतना है तो फिर एटम न्यूक्लियाई को आप छोड़ सकते हैं, अदरवाइज मोर्स पोस्टुलेट थ्योरी है, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद सोचिए 6 क्वेश्चन में आपको सिर्फ 3 करने हैं, है ना। तो आप जितना मैंने बताया है जो 12-14 क्वेश्चन उसको अच्छे से आप करके जाइएगा, तो मुझे उम्मीद है कि, और हाँ आपको ये पता होना चाहिए कि 5 नंबर के लिए कितने वर्ड में आपको आंसर करना है। बिल्कुल सर, ये सबसे पहले ये चीज़ें, और अब आप लिख के प्रैक्टिस करना शुरू करो, पढ़ने मतलब अब भरवाली मत पढ़ो, आप लिख के प्रैक्टिस शुरू करो कि हाँ लिखना शुरू करो। आप 10 बजे जमा लो, 10 से 1 आपके एग्जाम है, आप स्टॉप वॉच लगाएं और 10 से 1 आप लिख के प्रैक्टिस करें, और आप देखें अब सडनली आपको नहीं लिखने की आदत, तो 2-1 घंटे के बाद ही आपका वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में हाथ दर्द करने लगेगा और आप बहुत अनकंफर्ट हो जाए क्योंकि आपको आदत नहीं है। तो आप लिखने का प्रैक्टिस अभी से डालें, रोज 1-2 सिंपल से तैयार करें, मुझे लगता है पेपर अच्छा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्ञान भरी बातें साझा करने के लिए, और कई छात्रों को उम्मीद करते हैं कि आपकी इन बातों से फायदा भी पहुंचेगा। तो बिल्कुल सर ने सरल भाषा में जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आने वाले हैं उनको मेरे ख्याल से सर ने चैप्टर वाइज शायद समझा दिया, और लगभग हर एक चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन जो आने की संभावना अधिकतम है सर ने इस चीज को आपको समझा दिया है। तो आप समझ सकते हैं कुछ कुछ क्वेश्चन को सर ने डिराइव भी कर दिया है कि बच्चों इस तरीके से इसमें ये लिखना है और किस तरीके से कौन क्वेश्चन को अगर मशीन के बारे में लिखना है तो मशीन क्या है वगैरह वगैरह। तो यही होती है एक्सपीरियंस टीचर की पहचान, जो बच्चों के नब्स को पहचान ले और उसको सरल भाषा में समझा दे। तो सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि सर ने बच्चों के गाइडलाइन को लेकर के एक महत्वपूर्ण भूमिका आज निभाई है हमारे शिक्षा संवाद के माध्यम से। हम सर का धन्यवाद भी करना चाहते हैं इस चीज को लेकर के। आप हमारे सारे वीडियोस YouTube पे जाकर के प्लेलिस्ट तैयार है, वहां जाकर के अभी तक हमने जितने भी शिक्षकों से शिक्षा संवाद कराया है वहां जाकर के आप देख सकते हैं और आप शेयर भी कर सकते हैं। लगातार हम शिक्षा संवाद करवा रहे हैं, आगे भी हम आपके साथ जारी रहेंगे। आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और YouTube पे सब्सक्राइब अवश्य करें।